आउटडोर स्पेस अगर अच्छे से बन जाए ना तो आपके लिए फन और रिलैक्सिंग हो सकता है, और अगर गलत फर्नीचर और गलत चीजें बन जाए तो आपका सर का दर्द भी हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है बिफोर यू गो एंड बाय एन आउटडोर फर्नीचर। सबसे पहले आप देखिए आपके घर की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, आपके यहाँ हॉट ज्यादा है या विंडी ज्यादा है, आपके यहाँ बारिश ज्यादा है कि स्नो है, क्या आप सी साइड पर तो नहीं रहते, तो उसकी वजह से भी आपको फर्नीचर का ध्यान रखना है। जनरली मटेरियल्स की मैं बात करूँ तो मैं मेटल और विकर का फर्नीचर प्रेफर करता हूँ, और मैं वुड और प्लास्टिक के फर्नीचर को या रबर के फर्नीचर को अवॉइड करता हूँ। इम्पॉर्टेंट होता है इसके लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका सरफेस क्या है जहाँ पर आपको फर्नीचर रखना है, क्या ये हार्ड सर्फेस है कि ग्रास है। अगर हार्ड सर्फेस है तो एक बार को वुड फर्नीचर या प्लास्टिक फर्नीचर रख सकती हूँ, वेरेस अगर ग्रास है जहाँ पर मॉइस्चर हो सकता है, ग्राउंड है, तो आपको जरूर से मेटल का या विकर का फर्नीचर ही रखना है। चौथी चीज इंपॉर्टेंट है आपकी सीटिंग, आपकी सीटिंग कैसी है, क्या वो वाटरप्रूफ है। आपकी सीटिंग वाटरप्रूफ होनी जरूरी है, हालांकि जब आपके यहाँ यूज नहीं हो रहा आपका आउटडोर का फर्नीचर उनकी सीट्स को उठा के अलग रख दीजिए, एक शेडेड आउट स्पेस में रख दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप आउटडोर स्पेस में जाते हैं तो उसको मेजर जरूर कर लीजिएगा। फर्नीचर को बाय करने से पहले ये पता होना चाहिए आपकी जगह कितनी है, कितनी सीट और कितना सोफा आ सकता है, क्या वहां पर झूला आएगा कि नहीं आएगा। ये गलतियां बहुत हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, पहले मेजर कर लीजिएगा।